नमस्कार मित्रों, लाल किताब में मंगल के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे उपाय बतलाए गए हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं मंगल पहले खाने से। किसी से भी दान ना लें या कोई भी वस्तु मुफ्त में ना लें। अगर लेनी ही पड़ती है तो उसका दाम जरूर चुका दें। दूसरा, किसी फकीर या साधु या मस्त मलंग व्यक्ति की संगत आपके लिए हानिकारक हो सकती है। भाइयों से ना तो झगड़ा करें ना उनका अपमान करें। क्रोध में या अकड़ में ना रहें, अपनी भाषा में मधुरता लाए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करें। बरगद की पेड़ की जड़ में दूध, पानी और थोड़ी सी चीनी के मिश्रण को डालें और उससे जो मिट्टी गीली होती है उससे तिलक करें। दूसरा, चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। रात को अपने सिरहाने थोड़ा सा पानी रख लें और सुबह सूर्योदय के समय उस पानी को पेड़ या पौधों की जड़ों में डाल दें। दूसरा, नीम का वृक्ष लगाएं। ऐसे व्यक्ति की कलम में बहुत शक्ति होती है और अगर कोई दुष्परिणाम आपको मिल रहे हैं तो उन्हें दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा करें, इससे शत्रु का प्रभाव कम होता जाएगा। दूसरा उपाय है नारियल, उड़द की दाल, तेल आदि का दान धर्म स्थान में करें। छोटी दीवार बनाकर उसे गिराएं और इसे नियमित रूप से करते रहें। अजीब लग रहा है ना, परंतु ये बड़ा प्रभावशाली उपाय है। दूसरा उपाय है कि घर में आई बहन को विदा करते समय उसे कुछ ना कुछ मीठा, मिठाई इत्यादि दाग जरूर दे। इस खाने में मंगल के होने से जातक साहसी और बहादुर बनता है। फिर भी अगर आपको दुष्परिणाम मिल रहे हैं तो तंदूर में गुड़ वाली रोटी लगा के 43 दिनों तक किसी कुत्ते को जरूर खिलाएं। दूसरा, तवे को गर्म करके उस पर ठंडे पानी का छींटा मारें और फिर खाना बनाना या रोटी बनाना शुरू करें। धर्म स्थान में गुड़, चावल, चीनी, दूध, पैसा सिर झुकाकर चढ़ाएं। दूसरा उपाय है कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें। ऐसा करने से आप सभी तरह से सुखी बने रहेंगे। ध्यान रहे कि दूध उबालते समय दूध बर्तन से गिर के चूल्हे पर ना गिरे। दूसरा, जो व्यक्ति निसंतान है उनकी सेवा करें या मदद करें। अपनी पैतृक संपत्ति यानी कि खानदानी संपत्ति को संभाल के रखें, उसे बेचे नहीं। दूसरा, हमेशा घर में शहद रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीठा स्वयं खिलाएं और दूसरों को भी खिलाएं। जब भी घर में अतिथि आए तो उनका स्वागत किसी शरबत से या दूध में चीनी या शहद डाल के करें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इन लाल किताब के सुझावों को आप भी अपनाएंगे और अपने जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि को बुलाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपनी कुंडली दिखलाना चाहते हैं और लाल किताब के उपाय चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें। आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके लिए एक उज्ज्वल, सफल और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।